हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रवीण लड्डा, टीम सीएलसी। आज हम डीसीएम पेपर नंबर 37 का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका सिलेबस है वे ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर वन क्या है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज डी, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन इज कैपिटल डी, वेयर कैपिटल डी इज ग्रेटर देन स्मॉल डी। इन द इंटरफेरेंस पैटर्न देयर इज अ मैक्सिमा एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ ईच स्लिट, देन द पॉसिबल वेवलेंथ यूज इन द एक्सपेरिमेंट आर। देखिए आपको एक यंग द्विछिद प्रयोग में छिद्रों के मध्य की दूरी डी तथा छिद्रों एवं पर्दे के मध्य की दूरी कैपिटल डी दी हुई, जहां कैपिटल डी की वैल्यू स्मॉल डी से ज्यादा है। एक व्यतिक्रम प्रतिरूप में प्रत्येक छिद्र के ठीक सामने उच्चिष्ट निर्मित होता है, तो इस प्रयोग में प्रयुक्त संभावित तरंग दैर्ध्य हो सकती है। तो देखिए क्वेश्चन में इस तरह से, ये आपके दोनों स्लिट्स होगी, दोनों स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज स्मॉल डी, ये स्क्रीन है, ये इसका सेंटर, ठीक है। ये जो सेपरेशन है ये आपको दिया हुआ है दैट इज कैपिटल डी। अब किसी स्लिट के सामने यहां पर इससे और यहां से जो दोनों वेव्स सुपर इंपोज होती है उनका सुपरपोजिशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो देखिए ये डिस्टेंस कितनी होगी, आप यहां पर पाथ डिफरेंस देखें डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स आपका हो जाएगा दिस इज कैपिटल डी दिस इज स्मॉल डी। तो ये वाली जो है पाथ, ये एस वन, अगर ये एस टू है, ये P पॉइंट लें तो एस टू पी माइनस एस वन पी, तो एस टू पी जो होगा वो होगा अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर, ये वाली लेंथ हो जाएगी पाइथागोरस से निकालेंगे, और ये वाला जो सेपरेशन है एस वन पी ये हो जाएगा डी माइनस। आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए डेल्टा एक्स की वैल्यू होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एन लेमडा, आप यहां पर डी बाहर कॉमन लेते हैं और आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं डी वन प्लस डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी स्क्वायर पावर वन बाई टू माइनस कैपिटल डी। आप बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूज करते हैं डेल्टा एक्स डी वन प्लस ये वन बाई टू आ गया है तो डी स्क्वायर अपॉन टू डी स्क्वायर माइनस डी। आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डी प्लस डी स्क्वायर अपॉन टू डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डी माइनस डी, ये आपका रिलेशन आता है। आप देखते हैं ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, चलिए डेल्टा एक्स जो होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दैट इज एन लेमडा, तो ये आ रहा है आपके इस डी से, ये डी कैंसिल हो गया तो डी स्क्वायर अपॉन टू डी, ये डी स्क्वायर अपॉन टू डी आई। तो एन की जो वैल्यूज होगी वो क्या होगी, तो देखो लेमडा इक्वल्स टू क्या होगा आपका डी स्क्वायर अपॉन टू एन कैपिटल डी, जब एन की वैल्यू वन है तब तो हो जाएगा ये लेमडा की वैल्यू डी स्क्वायर अपॉन टू डी, जब एन की वैल्यू टू तो ये हो गया डी स्क्वायर अपॉन फोर डी, एन की वैल्यू थ्री तो ये हो गया डी स्क्वायर अपॉन सिक्सटी। तो यहां पर इस प्रयोग में प्रयुक्त संभावित जो तरंग दैर्ध्य हो सकती है वो होगी ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए वाई डी एस सी विथ इन ए वाई डी एस सी विथ आइडेंटिकल स्लिट्स द इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज आई नॉट, इफ वन ऑफ द स्लिट इज कवर्ड द इंटेंसिटी एट द सेम पॉइंट इज। एक वाईडीएससी में केंद्रीय चमकीली फ्रिंज की तीव्रता आई नोट तथा दोनों छिद्र समान आकार के, अब यदि एक छिद्र को बंद कर दिया जाता है तो समान बिंदु पर तीव्रता का मान क्या होगा ज्ञात करें। तो देखो यहां पर दोनों छिद्र समान आकार के, इसका मतलब दोनों छिद्रों से जो प्रकाश की तीव्रता होगी वो समान होगी। अब यहां पर वाईडीएससी में केंद्रीय चमकीली फ्रिंज वो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो जो रिजल्टेंट है आई नोट वो क्या होगा, ये आपका परिणामी है आई नोट। तो अगर दोनों स्रोत से जो लाइट पास हो रही है उसकी इंटेंसिटी आई है तो ये होगा आपका आई प्लस टू आई मल्टीप्लाई बाई आई,
और कंस्ट्रक्टिव तो कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू वन हो गई। तो ये आई नॉट इक्वल्स टू आई प्लस आई टू आई, और ये आपका टू आई, तो ये हो गया फोर आई। तो ईच सोर्स की जो इंटेंसिटी है दैट इज आई नॉट बाई फोर है, यह आई नॉट बाई फोर है। अब आपको यहां पर एक छिद्र बंद कर दिया जाता है, तो अब क्या बचा, एक ही बचा, तो यहां सुपर पोजिशन नहीं होगा। तो जो इंटेंसिटी होगी एक छिद्र से जो पास होने वाली, एक होल से जो लाइट पास होगी जो उसकी इंटेंसिटी वही हो जाएगी। तो यहां पर अब जो होगी वो राइट आंसर हो जाएगा, वही होगी जो एक सोर्स की होगी। तो आई नॉट बाई फोर, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन फोर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम इंटेंसिटी इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज आई नॉट, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज डी, स्मॉल डी इक्वल्स टू 5 लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज इन द एक्सपेरिमेंट, वॉट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ द स्लिट ऑन ए स्क्रीन एट अ डिस्टेंस कैपिटल डी इक्वल्स टू 10 डी। देखिए यंग के द्विछिद्र प्रयोग में अधिकतम तीव्रता आई नॉट है, यानी कि जो ब्राइट फ्रिंज है उसकी तीव्रता आपकी आई नॉट है। अब छिद्रों के मध्य की दूरी डी इक्वल्स टू 5 लैम्डा है, दोनों के बीच की दूरी, लैम्डा प्रयोग में प्रयुक्त एक वर्णीय प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है। यदि डी इक्वल्स टू 10 स्मॉल डी है तो प्रत्येक के प्रत्येक छिद्र के ठीक सामने व्यतिकरण प्रतिरूप में तीव्रता कितनी होगी ज्ञात करें। चलिए तो देखिए यहां पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पर जो पाथ डिफरेंस है वो पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले आप देखें ये आपके सोर्स S1 और ये S2, इसके बीच का सेपरेशन है D, जैसा कि हमने अभी एक क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। ये स्क्रीन, यहां पर ये सेपरेशन कैपिटल D है इसका, इस P पॉइंट पर, और इसका जो पाथ डिफरेंस है वो है हमारा d² + d² - d। ये है पाथ डिफरेंस दैट इज डेल्टा एक्स। इसको सोल्व किया था हमने, तो सोल्व करने पर इसकी जो वैल्यू आ रही है दैट इज d² / 2d, ये वैल्यू आई थी, दैट इज पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स है। ठीक है, तो d² / 2d = δx आ गया, ये पाथ डिफरेंस आ गया सामने। हमें पाथ डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो डी स्क्वायर की वैल्यू देखो, डी स्क्वायर ये है आपका 5 लैम्डा, तो ये 25 लैम्डा² 2, कैपिटल डी की वैल्यू 10 और स्मॉल डी है 5 लैम्डा, ये पाथ डिफरेंस आएगा डेल्टा एक्स। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, ये 5 टाइम्स, ये इससे 2 टाइम्स, तो पाथ डिफरेंस आ रहा है लैम्डा बाई 4। तो यहां पर इन दोनों से जो वेव्स पहुंच रही है उनमें पाथ डिफरेंस आ रहा है लैम्डा बाई 4। अब इसका जो फेज डिफरेंस है उसका रिलेशन क्या होता है, तो ये होता है फेज डिफरेंस अपॉन 2π इक्वल टू पाथ डिफरेंस दैट इज डेल्टा एक्स, ये लैम्डा बाई 4 अपॉन लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा ये 2 टाइम्स, तो ये जो फेज डिफरेंस है ये आपका हो रहा है π/2। अब आपको यंग के द्विछिद्र प्रयोग में अधिकतम तीव्रता आई नॉट है, तो छिद्रों के मध्य की दूरी ये दे दी है, तो पर्दे के ठीक सामने वाले व्यतिकरण में कितनी तीव्रता होगी, तो आ गया फाई की वैल्यू π/2। दोनों स्रोत जो रिजल्टेंट होगा आई, अगर यहां पर अधिकतम तीव्रता आई नॉट है तो आई नॉट और ये cos² π/2 आप यूज कर लेते हैं रिलेशन। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी आपकी, तो ये I cos 2, ये आई नॉट cos² π की वैल्यू क्या है π/2, और ये ऑलरेडी है तो π/4, π/4 1/√2, cos π/2 की वैल्यू 1/√2, ये स्क्वायर में, तो ये आपका I cos 2 आएगा I0/2। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इनिशियली बोथ दी स्लिट्स आर ऑफ सेम साइज, नाउ वन स्लिट इज मेड ट्वाइस एज वाइड एज द अदर, देन इन द इंटरफेरेंस पैटर्न, ऑप्शन 1, द इंटेंसिटीज ऑफ बोथ द मैक्सिमा एंड द मिनिमा इंक्रीजेस, ऑप्शन 2, द इंटेंसिटी ऑफ द मैक्सिमा इंक्रीजेस एंड द मिनिमा हैज 0 इंटेंसिटी, ऑप्शन 3, द इंटेंसिटी ऑफ द मैक्सिमा डिक्रीजेस एंड दैट ऑफ द मिनिमा इंक्रीजेस।
द इंटेंसिटी ऑफ द मैक्सिमा डिक्रीजेस एंड द मिनिमा हैज जीरो इंटेंसिटी. ये आपको ऑप्शंस की वन है. देखो एक द्विछिद्र प्रयोग में प्रारंभ में दोनों छिद्र समान आकार के हैं, समान आकार के हैं, तो जब समान आकार के हैं तो इंटेंसिटी भी सेम होगी. अब एक छिद्र को दूसरे छिद्र का दोगुना बनाया गया तो यहां पर जो साइज है वो आपने डबल कर दी. क्लियर है? तब व्यतिकरण प्रतिरूप में क्या होगा? तो अब जो एक छिद्र है जिससे पहले जो इंटेंसिटी आ रही थी वो तो आती रहेगी. अब आपने यहां पर छिद्र को दुगना कर दिया. हमें पता है जो इंटेंसिटी होती है वो विड्थ के प्रोपोर्शनल होती है. मींस जितनी ज्यादा छिद्र की चौड़ाई होगी उसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, उतनी ही इंक्रीज होती है. आई प्रोपोर्शनल विड्थ हो जाता है. तो अब जो सेकंड छिद्र है उससे जो लाइट पास होगी उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी. इंटेंसिटी होगी तो आपका जो सुपर पोजिशन होगा उसमें क्या होगा, जो रिजल्टेंट है उसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी. तो यहां पर उच्चस्थ तथा निम्नस्थ दोनों की तीव्रता बढ़ जाएगी. तो राइट आंसर होगा ऑप्शन वन, इंटेंसिटीज ऑफ बोथ द मैक्सिमा एंड द मिनिमा इंक्रीजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज मेड इन ए लिक्विड. द टेंथ ब्राइट फ्रिंज इन लिक्विड लाइज वेयर सिक्स्थ डार्क फ्रिंज लाइज इन वैक्यूम. द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज अप्रोक्सीमेटली. क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक यंग का द्विछिद्र प्रयोग में एक द्रव में किया जाता है. ठीक है, द्रव में प्रयोग के दौरान दसवीं चमकीली फ्रिंज उस स्थान पर बनती है जिस स्थान पर निवात में छठवीं काली फ्रिंज बनती है. तो द्रव का अपतनांक लगभग होगा. तो देखिए यहां पर जो क्वेश्चन है उसमें जहां हवा में यानी कि एयर मीडियम में जो छठी बन रही है द्रव के अंदर वो कहां पर बन रही है, वो बन रही है वहां पर उस स्थान पर बन रही है दसवीं बन रही है. तो दोनों की जो डिस्टेंस होगी मैक्सिमा जो सेंट्रल मैक्सिमा है उससे सेम डिस्टेंस होगी. तो यहां जो सेम डिस्टेंस होने के कारण जो छठी है उसके लिए वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है, सेपरेशन डी अपॉन स्मॉल डी. अब दसवीं जहां बन रही है तो दसवीं जहां बनेगी वेवलेंथ वही है आपकी, तो वेवलेंथ तो वही है लैम्डा डी अपॉन, और यहां पर द्रव का अपवर्तनांक से डिवाइड हो जाता है तो म्यू बाई डी ये हो जाता है. ठीक है, डी से डी कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो म्यू इक्वल्स टू आ गया 10/6 यानी कि 1.67. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट S1 एंड S2 बी दी टू स्लिट्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. इफ सेंट्रल मैक्सिमा इज ऑब्जर्व एट P एंड एंगल S1P S2 इज थीटा, देन द फ्रिंज विड्थ फॉर द लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा विल बी. माना S1 तथा S2 यंग के द्विछिद्र प्रयोग में दो छिद्र केंद्रीय उच्चस्थ बिंदु P पर बनता है तथा कोण S1P S2 थीटा है, तब लैम्डा तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए फ्रिंज चौड़ाई होगी. तो देखिए ये इस तरह से, ये आपका S1 और ये S2, इन दोनों के बीच का सेपरेशन हो गया स्मॉल डी, ये स्मॉल डी हो जाए. ये स्क्रीन है इसका, ये सेंट्रल हो गया, ये हो गया. अब ये बोल रहा है P बिंदु ये हो गया, ये P बिंदु हो गया. तो अब लैम्डा तरंग दे रही है प्रकाश के लिए फ्रिंज चौड़ाई होगी. तो ये S1 S2 यंग के दो छिद्र है, केंद्रीय उच्चस्थ बिंदु P पर बनता है, ये S1P S2 थीटा हो गया. ठीक है, तो हमें पता है कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, ये दूरी है डी, तो एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क हो गया आपका स्मॉल डी और ये आपके कैपिटल डी हो गया. अब फ्रिंज चौड़ाई होती है बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, तो ये आपके स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये आएगा लैम्डा अपॉन थीटा. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, लैम्डा अपॉन थीटा. Now next question, two beams of light having intensities I and 4I interfere to produce a fringe pattern on a screen.
द फेज बिटवीन द बीम इज पाई बाई टू एट ए पॉइंट एंड पाई एट ए पॉइंट बी. देन द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटीज एट ए एंड बी इज. देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है दो प्रकाश की तरंग दे रही है, दो प्रकाश की तरंगे जिनकी तीव्रता है आई और फोर आई है. एक पर्दे पर अध्यारोपित होकर फ्रिंज प्रतिरूप निरूपित करती है. दोनों से क्या होती है आपका सुपरपोजिशन होगा. पर्दे पर बिंदु ए पर दोनों तरंगों में कलांतर पाई बाई टू तथा बी बिंदु पर कलांतर पाई है. बिंदु ए तथा बी पर परिणामी तीव्रताओं का अंतर होगा. तो पहले ए पर देखो, तो ए पर जो है वो है आपकी रिजल्टेंट आई ए. तो ये आई, दूसरा फोर आई प्लस टू आई मल्टीप्लाई बाई फोर आई कॉस, और यहां पर फेज डिफरेंस हो गया आपका, ये है कलांतर पाई बाई टू. तो ये पार्ट तो जीरो हो गया, तो ये आपका आ रहा है फाइव आई. अब बी बिंदु पर बात करें तो आई प्लस फोर आई प्लस टू आई मल्टीप्लाई बाय फोर आई कॉस पाई. कॉस पाई की वैल्यू होती है माइनस वन. तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये तो हो गया फाइव आई माइनस टू और टू फोर फोर आई. तो ये आपका हो गया आपका आई. अब इन दोनों का जो डिफरेंस है फाइव आई माइनस आई दैट इज फोर आई. तो राइट आंसर होगा ऑप्शन टू. नेक्स्ट क्वेश्चन. In Young's double slit experiment, the intensity of light at a point on the screen where the path difference is lambda is I. The intensity of light at a point where the path difference becomes lambda by 3 is. Young के द्विछिद प्रयोग में पर्दे पर जिस बिंदु पर तरंगों के मध्य पथांतर का मान लैम्डा है वहां परिणामी तीव्रता आई है. प्रकाश की तीव्रता उस बिंदु पर कितनी होगी जिस स्थान पर तरंगों के मध्य पथांतर लैम्डा बाई थ्री होगा. तो जहां पर पथांतर आपको दिया है वहां हम निकाल लेते हैं, हम कलांतर फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं. तो देखिए ये फाइव अपॉन टू पाई इक्वल्स टू, ये पहले वाले केस में लैम्डा कितना दिया हुआ है, मध्य पथांतर लैम्डा दिया हुआ है अपॉन लेमडा. तो फाइव अपॉन टू पाई ये आपको लेमडा अपॉन लेमडा. तो यहां पर जब पथांतर लेमडा है तो कलांतर जो आएगा वो होगा आपके फाइव इक्वल्स टू टू पाई हो जाएगा. और जब आपके पथांतर लेमडा बाई थ्री है तब ये फाइव डैश कितना हो जाएगा, ये टू पाई, ये लेमडा की वैल्यू है हमारी लेमडा बाई थ्री अपॉन लेमडा. तो फाइव डैश आपका हो जाएगा टू पाई बाई थ्री हो जाएगा. अब देखिए इंटेंसिटी जो है ठीक है वो आई कोस टू, इस केस में जब फेज डिफरेंस टू पाई है तब होता है आई नॉट कोस स्क्वायर फाइव, फाइव की वैल्यू है टू पाई बाई टू, ये टू से टू कैंसिल हो गया. और इस केस में जो है आई डैश ये होगी आई नॉट कॉस स्क्वायर, ये है टू पाई बाई थ्री बाई टू, टू से टू कैंसिल हो गया. अब वैल्यू पुट कर दें तो आई अपॉन आई डैश इक्वल्स टू कैंसिल, कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन, वन का स्क्वायर वन हो गया, कॉस पाई बाई थ्री दैट इज वन बाई टू का स्क्वायर तो वन बाई फोर हो जाएगा, तो ये फोर हो जाएगा. तो आई डैश इक्वल्स टू क्या हो गया, आई बाई फोर हो जाएगा. तो आई डैश इक्वल्स टू आई बाई फोर हो गया. तो राइट आंसर होगा ऑप्शन वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन वाईडीएससी फाइंड द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब विच रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज 1.5 विच शुड बी प्लेस बिफोर द अपर स्लिट एस वन सो दैट द सेंट्रल मैक्सिमा नाउ लाइज एट ए पॉइंट where fifth bright fringe was lying earlier before inserting the slab. Wavelength of light used is 5000 angstrom. देखिए YDSC में ऊपरी छिद्र S1 के सामने, ये ऊपरी छिद्र है आपका S1, इस S1 ये नीचे वाला छिद्र मान लो S2, इसके सामने आपने एक स्लिट रख दी है.
एक स्लेब रख दी है जिसका अपूर्तनांक 1.5 के, कितनी मोटाई की पट्टिका रखी जानी चाहिए, आप ये इसकी टी मोटाई मान लो कि टी मोटाई की पट्टिका रखी जानी चाहिए, ताकि अब केंद्रीय उच्चिष्ट उस स्थान पर बने जिस स्थान पर पट्टिका रखने से पहले पूर्व में पांचवी चमकीली फ्रिंज बन रही है। तो बिना पट्टिका के क्या बन रही थी, पांचवी चमकीली फ्रिंज बन रही थी। तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंग 5000 एंगस्ट्रम है, तो आपको टी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे होगा, ये यहां पर पहले जो जहां पर पहले पांचवी बन रही थी, अब कौन सी बनेगी, आपकी दसवीं बनेगी। तो इसके लिए रिलेशन है म्यू माइनस वन, जो शिफ्ट होगा कितना शिफ्ट होगा, तो म्यू माइनस वन टी मोटाई डी अपॉन स्मॉल डी इक्वल्स टू, वहां पर जो पहले बन रही थी वो बन रही थी फाइव, तो फाइव लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, या कैंसिल हो रहे हैं, उन्हें कैंसिल कर दो, डी डी कैंसिल हो गया, लैम्डा की वैल्यू दी हुई है म्यू माइनस वन 1.5, तो ये आपका हो गया 0.5 मल्टीप्लाई बाय टी 5, और ये आपका हो गया 5000 एंगस्ट्रम। इसको सोल्व करेंगे तो टी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 5 मल्टीप्लाई बाय 10^-6 मीटर। The YDSC apparatus is as shown in figure. The condition for point P to be a dark fringe is. तो देखिए आपको ये एक YDSC उपकरण चित्र में दर्शाया गया है, बिंदु P पर काली फ्रिंज निर्मित होती है, तो इसकी शर्त क्या होगी, तो भाई शर्त ये होनी चाहिए कि वहां पर जो है विनाशी व्यतिकरण हो, तो विनाशी व्यतिकरण के लिए जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए वो आपका 2n-1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए ये पाथ डिफरेंस यहां से ये गई आपकी, तो ये L1 प्लस L3 और ये L2 और L4, L1 प्लस L3 में से L2 L4 को माइनस कर दे, तो ये आपका पाथ डिफरेंस हो गया। ये किसके इक्वल होना चाहिए, 2n-1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट, इन YDSC स्मॉल डी इक्वल टू 2 मिलीमीटर, कैपिटल डी इक्वल टू 2 मीटर एंड लैम्डा इक्वल टू 500 नैनोमीटर। इफ इंटेंसिटीज ऑफ टू स्लिट्स आर I0 एंड 9I0, देन फाइंड इंटेंसिटी एट Y इक्वल टू 1/6 मिलीमीटर। देखिए आपको YDSC में स्मॉल डी की वैल्यू दी हुई है 2 मिलीमीटर, कैपिटल डी दिया हुआ है 2 मीटर, लैम्डा दे दिया 500 नैनोमीटर। यदि दोनों छिद्रों की तीव्रताएं I0 तथा 9I0 है, तो Y इक्वल्स टू 1/6 mm पर परिणामी तीव्रता क्या होगी वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो जो पाथ डिफरेंस होता है वो होता है यहां पर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है उससे वाई डिस्टेंस पे, ये आपका परिणामी तीव्रता वाई डिस्टेंस पे, तो ये हो गया वाई स्मॉल डी कैपिटल डी हो गया, डेल्टा एक्स की वैल्यू होगी। आप इसमें वैल्यू पुट करें तो डेल्टा एक्स वाई कितना है, वाई की वैल्यू 1/6 मिलीमीटर मीन्स 10^-3। स्मॉल डी 2 मिलीमीटर -3, कैपिटल डी 2 मीटर, ये कैंसिल। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू जो आ रही है, ठीक है, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू यहां पर आपके पास जो रिलेशन निकल के आएगा वो 1/6 mm। तो डेल्टा एक्स ये वैल्यू आई, हमें पता है डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा इक्वल टू 5/2π होता है, तो 5 की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 2π हो जाएगा। चल इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 5 इक्वल्स टू डेल्टा एक्स तो आपका हो गया 10^-6/6, ये तो 6 हो गया, 10^-6/6 हो गया डेल्टा एक्स, लैम्डा की वैल्यू है 500 10^-9 और 2π, ये 2π हो गया। चल ये इससे ऊपर गया 10^3 हो गया, तो ये इससे 2 times ये हो गया, ये इससे 3 हो गया, तो 5 की वैल्यू जो आ रही है वो 2π/3 आ रही है, यानी कि 120 डिग्री आ रही है। तो यहां पर आपको जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो होगी I इक्वल टू I0
प्लस 9 आई नॉट प्लस 2 अंडर रूट आई नॉट मल्टीप्लाई बाय 9 आई नॉट और कॉस 120 की वैल्यू होती है माइनस 1/2। चलिए पुट कर दें तो ये तो हो गया 10 आई नॉट माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो माइनस 3 आई नॉट तो ये आपका हो गया 7 आई नॉट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 7 आई नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन YDSC वाटर इज फिल्ड इन द स्पेस बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन, देन ऑप्शन 1 फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट अपवर्ड बट फ्रिंज विड्थ रिमेंस अनचेंज, फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस एंड फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट अपवर्ड, फ्रिंज विड्थ रिमेंस अनचेंज एंड सेंट्रल फ्रिंज डज नॉट शिफ्ट। ऑप्शन 4 फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस एंड फ्रिंज पैटर्न डज नॉट शिफ्ट। देखिए YDSC में छिद्रों तथा पर्दे के मध्य के स्थान पर जल भर दिया जाता है तो फ्रिंज प्रतिरूप ऊपर स्थानांतरित होगा परंतु फ्रिंज चौड़ाई अपरिवर्तित रहेगी, फ्रिंज चौड़ाई घटेगी तथा फ्रिंज प्रतिरूप ऊपर स्थानांतरित होगा, फ्रिंज चौड़ाई अपरिवर्तित होगी तथा केंद्रीय फ्रिंज विस्थापित नहीं होगी, फ्रिंज चौड़ाई घटेगी तथा फ्रिंज प्रतिरूप विस्थापित नहीं होगा। तो देखिए माध्यम आप रखते हैं उससे क्या होता है आपका जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपका माध्यम का ग्रेटर देन 1 होने के कारण जो बीटा डैश होता है वो आपका ये इंक्रीज होने के कारण ये डिक्रीज हो जाता है तो फ्रिंज चौड़ाई तो घटेगी लेकिन यहां पर यह शिफ्ट नहीं होती है, फ्रिंज प्रतिरूप विस्थापित नहीं होगा तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नेक्स्ट, इन YDSC ऑफ इक्वल विड्थ स्लिट्स इफ इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ स्क्रीन इज आई नॉट देन इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ बीटा बाय 4 फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा इज। एक YDSC में दोनों छिद्र समान चौड़ाई के, यदि पर्दे के केंद्रीय बिंदु पर तीव्रता आई नॉट है तब केंद्रीय उच्चिष्ट से बीटा बाय 4 दूरी पर तीव्रता का मान क्या होगा। तो यहां पर आपके दोनों छिद्र समान चौड़ाई के यानी कि इंटेंसिटी क्या होगी, दोनों की सेम होगी तो दोनों से जो लाइट पास होगी उसकी इंटेंसिटी सेम होगी, पहली बात है। अब केंद्रीय उच्चिष्ट से बीटा बाय 4 यानी कि जो आपके फ्रिंज विड्थ है उसकी 1/4 डिस्टेंस पर तीव्रता कितनी होगी हमें यह फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहां पर पाथ डिफरेंस की बात करें हैं तो ये डेल्टा एक्स की वैल्यू होती है वाई जो डिस्टेंस है सेपरेशन वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, ये आपके डेल्टा एक्स की वैल्यू जाती है। अब ये वाई जो वैल्यू है ये है बीटा बाय 4 तो डेल्टा एक्स दैट इज बीटा बाय 4 डी अपॉन कैपिटल डी तो डेल्टा एक्स इक्वल टू बीटा इक्वल टू क्या होता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये 4 अपनी जगह स्मॉल डी कैपिटल डी ये कैंसिल हो गया तो यहां आ रहा है आपका लैम्डा बाय 4 लैम्डा बाई 4 आ गया। ठीक है अब हमें क्या निकालना है, ये पाथ डिफरेंस हो गया तो फेज डिफरेंस क्या हो गया फाइ अपॉन 2 पाई इक्वल्स टू लैम्डा बाई 4 अपॉन लैम्डा ये कैंसिल तो फाइ की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई 2 आ गई, पाई बाई 2 आ गई। चलिए तो हमारा फेज डिफरेंस आ गया पाई बाई 2। अब हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है, आई इक्वल्स टू जो सेंट्रल की जो होती है वो मैक्सिमा होती है आई नोट कॉस स्क्वायर फाइ पाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ये आपके हो गया आई कॉस टू आई नॉट 1/√2 का स्क्वायर 1/2 तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 आई नॉट बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर सेंट थ्रू यंग्स डबल स्लिट एपरेटस साइमल्टेनियसली इफ द थर्ड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा 1 कोइंसाइड्स विद द फोर्थ ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा 2 देन। एक यंग के द्विछिद्र प्रयोग में लैम्डा 1 तथा लैम्डा 2 तरंग धैर्य के प्रकाश दोनों छिद्रों से एक साथ भेजे जाते हैं, यदि व्यतिकरण प्रतिरूप में लैम्डा 1 तरंग धैर्य का तृतीय क्रम का उच्चिष्ट लैम्डा 2 तरंग धैर्य के चतुर्थ क्रम के उच्चिष्ट के साथ संपाती है तब क्या होगा। तो भाई यह होता है आपका लैम्डा 1 का तृतीय यानी कि 3 लैम्डा 1
डी अपॉन स्मॉल डी इक्वल्स टू 4 लैम्डा 2 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये कैंसिल हो गया। तो ये 3 लैम्डा 1 इक्वल्स टू 4 लैम्डा 2, तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल्स टू 4/3, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल्स टू 4/3, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यंग्स इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कैन बी आइडेंटिफाइड ड्यू टू द फैक्ट दैट इज ऑप्शन 1 हैज ग्रेटर इंटेंसिटी देन अदर फ्रिंजेस व्हिच आर ब्राइट इज वाइडर देन द अदर ब्राइट फ्रिंजेस ऑप्शन 3 इज नैरोवर देन द अदर ब्राइट फ्रिंजेस कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग व्हाइट लाइट इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। देखिए, यंग के व्युत्क्रम प्रयोग में केंद्रीय चमकीली फ्रिंज की पहचान हो पाती है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, दूसरी चमकीली फ्रिंजों की तुलना में अधिक चमकीली होगी, नहीं, इंटरफेरेंस में जितनी भी फ्रिंजेस होती है सबकी ब्राइटनेस सेम होती है। दूसरी चमकीली फ्रिंजों की तुलना में अधिक चौड़ी होगी, नहीं, सबकी फ्रिंज चौड़ाई भी समान होगी। दूसरी चमकीली फ्रिंजों की तुलना में अधिक संकरी होगी, नहीं, यहां पर सबकी समान होती तो संकरी भी नहीं होगी। अब एक वर्णीय प्रकाश के स्थान पर श्वेत प्रकाश प्रयुक्त कर प्राप्त की जा सकती, बिल्कुल की जा सकती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करंट थ्रू एन आइडियल पी एन जंक्शन डायोड शोन इन फिगर। देखो, आपको एक सर्किट गिवन है, यह सर्किट में आपको ये पीएन जंक्शन डायोड गिवन है, ये रेजिस्टेंस गिवन है, ये आपके 3 वोल्ट और ये 1 वोल्ट है, तो आपको इसके अंदर धारा कितनी प्रवाहित होगी? तो दोनों ग्राउंडेड है, आप मान सकते हैं कि दोनों कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखिए, यहां पर इसके कारण करंट ऐसे जाएगी, इसके कारण करंट ऐसे आएगी, तो दोनों के कारण एक लूप के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, तो यहां पर जो ई नेट होगा, वी नेट, नेट ईएमएफ इसका और इसका, वो होगा 3-1 हो जाएगा वोल्ट में। अब देखो भाई, इफेक्टिवली ये आ गया, तो ये आपका पॉजिटिव एंड इससे कनेक्टेड है डायोड से, तो ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है। फॉरवर्ड बायस में इसका रेजिस्टेंस है आपके आदर्श आइडियल, इसका रेजिस्टेंस 0 होगा, तो आई इक्वल्स टू वी नेट अपॉन आर इक्विवेलेंट होगा, तो वी नेट तो हो गया 3-1 और आर इक्विवेलेंट ओनली 100 ओम होगा, 100 ओम, यानी कि 2 × 10^-2 एम्पियर। तो आप इसको लिख सकते हैं 20 × 10^-3 एम्पियर, यानी कि 20 mA, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द विड्थ ऑफ द स्लिट्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:9 द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी एट मैक्सिमा टू द इंटेंसिटी एट मिनिमा विल बी। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है यंग के द्विछिद्र प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई का अनुपात 4:5, 4:9 है, उच्चिष्ठ तथा निम्निष्ठ पर परिणामी तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, हमें पता है जो इंटेंसिटी होती है वो विड्थ के प्रोपोर्शनल होती है, तो यहां पर जो इंटेंसिटी होगी I1/I2 वो आपकी विड्थ जो है 4/9 के प्रोपोर्शनल होगी, और जो इंटेंसिटी है वो इनके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां पर A1/A2 जो है, इसको सोल्व करेंगे तो 2/3 ये आ जाएगा। अब आई मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम, तो आई मैक्सिमम जो होता है और आई मिनिमम का जो रेशियो होता है, आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का जो रेशियो है, ये है A1+A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1-A2 का होल स्क्वायर। आप A1+A2 करेंगे तो ये 2+3 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 3-2 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, तो राइट आंसर होगा 25:1, दैट इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्पेक्ट्रल लाइन लैम्डा इक्वल्स टू 5000 angstrom इन द लाइट कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंट स्टार इज ऑब्जर्व एज ए 5200 angstrom, व्हाट विल बी द रिसेशन वेलोसिटी ऑफ द स्टार। एक बहुत दूरी पर स्थित तारे से आ रहे स्पेक्ट्रमी रेखा लैम्डा इक्वल्स टू 5000 angstrom हमें 5200 angstrom प्रतीत होता है,
अपीयर हो रहा है, तारे के दूर जाने का वेग क्या होगा। तो देखो रिलेशन हमें पता है, डेल्टा अपॉन लैम्डा, डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इक्वल टू होता है वी बाई सी। हम तारे के दूर जाने का वेग निकालना है, तो डेल्टा लैम्डा, ये वी निकालना है, तो डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाई बाई सी हो। अब देखो डेल्टा लैम्डा यानी कि इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, दैट इज 200। तो इन दोनों का डिफरेंस 200 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम ये आ रहा है, ठीक है 200 एंगस्ट्रॉम। और लैम्डा जो है, लैम्डा कितना है 5000, तो ये 5000 एंगस्ट्रॉम हो गया, कैंसिल हो गया। और सी की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये कैंसिल, ये 25 कैंसिल। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 1.2 टेंस टू पावर 7 मीटर पर सेकेंड, 1.2 टेंस टू पावर 7 मीटर पर सेकेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री ऑब्जर्वर्स ए बी एंड सी मेजर द स्पीड ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ए सोर्स टू बी वी ए वी बी एंड वी सी। द ऑब्जर्वर ए मूव्स टूवर्ड्स द सोर्स, द ऑब्जर्वर सी मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स विद द सेम स्पीड, द ऑब्जर्वर बी स्टे स्टेशनरी, द सराउंडिंग स्पेस इज वैक्यूम एवरी वेयर, एवरी वेयर। स्पीड ऑफ ए एंड बी इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, देन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तीन प्रेक्षक ए बी तथा सी एक स्रोत से आने वाले प्रकाश की चाल क्रमशः वी ए वी बी वी सी मापते हैं। तीन स्रोत है भाई, तीन प्रेक्षक है, और जो स्रोत से आ रही है प्रकाश की चाल वो तीनों वी ए वी बी और वी सी माप रहे हैं। अब ये इस तरह से, ये स्रोत हो गया, ये आपके ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। मापते हैं, प्रेक्षक ए स्रोत की तरफ गतिशील है, ये स्रोत की तरफ किसी चाल से गतिशील है, तथा प्रेक्षक सी समान चाल से ये इधर की तरफ गतिशील है। तो ये वी मान लो वी है, और ये भी, ये इसकी चाल है, ये इसकी वी होगी, ठीक है, ये दोनों की समान चाल है। अब प्रेक्षक बी स्थिर है, प्रेक्षक बी स्थिर है, तो ए बी की चाल, ए तथा बी की चाल प्रकाश की चाल की तुलना में नगण्य है, यहाँ इनकी वेलोसिटी जो है वो नेग्लिजिबल है प्रकाश की चाल, चारों तरफ का माध्यम निर्वात है। तो जब चारों तरफ का माध्यम निर्वात है तो हमें पता है जो रिलेटिविटी थ्योरी होती है, ठीक है, वो आपके प्रकाश की चाल के लिए लागू नहीं होती है। तो यहाँ पर ए बी और सी तीनों के रेस्पेक्ट में, तीनों प्रेक्षक जो है इनको ए बी तथा सी, इन दोनों की जो प्रकाश की चाल इनको अपीयर होगी वो तीनों को क्या होगी, बराबर अपीयर होगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, वी ए इक्वल्स टू वी बी इक्वल्स टू वी सी। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डॉपलर इफेक्ट इन लाइट द टर्म रेड शिफ्ट सिग्निफाइज। ऑप्शन 1, डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, डिक्रीज इन इंटेंसिटी, इंक्रीज इन इंटेंसिटी। प्रकाश के डोपलर प्रभाव में लाल विस्थापन किस प्रक्रिया को बतलाता है। तो देखो लाल विस्थापन में जो होती है वो वेवलेंथ, उसकी अपीयर वेवलेंथ होती है वो ज्यादा होती है, जब वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो कम होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति में कमी, यानी कि डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लाइट सोर्स approaches the observer with velocity 0.8 c, the Doppler shift for the light of wavelength 5500 angstrom is। एक प्रकाश स्रोत एक प्रेक्षक की ओर 0.8 c चाल से बढ़ रहा है, तरंग धैर्य 5500 angstrom के प्रकाश के लिए डोपलर विस्थापन होगा। तो देखिए यहां पर जो अपियर्ड वेवलेंथ होगी, दैट इज लैम्डा डैश इक्वल्स टू लैम्डा, जब ये यहाँ पर उसकी चाल से उसके पास बढ़ रहा है स्रोत, एक प्रकाश स्रोत प्रेक्षक की ओर जा रहा है, तो प्रेक्षक की ओर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी आपकी
इंक्रीज होगी, वेवलेंथ डिक्रीज होगी, तो ये आपके रिलेशन आएगा लैम्डा डैश इक्वल्स टू लैम्डा 1 माइनस वी अपॉन सी अपॉन 1 प्लस वी अपॉन सी. लैम्डा डैश, लैम्डा की वैल्यू 5500 एंगस्ट्रॉम. 1 माइनस वी की वैल्यू 0.8 अपॉन सी, तो ये यहां पर सी से सी कैंसिल हो गया तो 0.8 रह जाएगा. 1 प्लस ये हो जाएगा 0.8 हो जाएगा. तो लैम्डा डैश इक्वल्स टू 5500 एंगस्ट्रॉम, और ये आपका हो गया 0.2 और ये 1.8, तो ये अंडर रूट में 1/9 हो जाएगा. ठीक है, तो ये 0.2 अपॉन 1.8, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2/18 यानी कि 1/9 हो जाएगा. इसका अंडर रूट लेंगे तो लैम्डा डैश इक्वल्स टू 5500/3. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1833 एंगस्ट्रॉम. अब आपसे विस्थापन पूछा शिफ्ट, तो ये तो होता है डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू ये लैम्डा माइनस लैम्डा डैश. लैम्डा कितना है 5500 माइनस 1833 एंगस्ट्रॉम, तो सॉल्व करेंगे तो 3667 एंगस्ट्रॉम आएगा. राइट आंसर होगा ऑप्शन 3. नेक्स्ट, कंडीशन फॉर डिफ्रेक्शन इज अल्फा साइज ऑफ स्लिट. तो हमें पता है ये जो साइज ऑफ स्लिट होती है ये आपके वेवलेंथ की ऑर्डर की होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1. ए अपॉन लैम्डा अप्रोक्स इक्वल्स टू 1 मींस आपका जो ए वो अप्रोक्स लैम्डा होना चाहिए, ये इस ऑर्डर का होना चाहिए. तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन 1. तो ये विवर्तन की शर्त जो होती है वो ये होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी दी एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज यूज एंड स्लिट विड्थ इज 12 × 10⁻⁵ cm. एक फ्रॉनहोफर विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उच्चस्थ की कोणीय चौड़ाई क्या होगी यदि प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दे रही है 6000 एंगस्ट्रॉम तथा छिद्र की चौड़ाई 12 × 10⁻⁵ cm है. तो हमें देखिए इसका रिलेशन पता है, ये जो एंगुलर विड्थ होती है थीटा ये होती है 2λ/d होती है, ये 2λ/d होती है. तो फ्रॉनहोफर विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उच्चस्थ की कोणीय चौड़ाई ये निकल के आएगी. तो 2λ की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉम/d, ये जो छिद्र की चौड़ाई है 12 × 10⁻⁵, इसको मीटर में कन्वर्ट करो, मीटर में कन्वर्ट हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया इससे, ये आपके इससे कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 1 रेडियन. तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, 1 रेडियन. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पोलेरॉइड्स आर प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ unpolarized beam of intensity I naught such that no light is emitted from the second polaroid. If a third polaroid whose polarization axis makes an angle theta with the polarization axis of first polaroid is placed between these polaroids, then the intensity of light emerging from the last polaroid will be. देखिए क्वेश्चन को समझे, दो ध्रुवकों को आइनोड तीव्रता के अध्रुवित प्रकाश के मार्ग में इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय ध्रुव से कोई प्रकाश नहीं गुजरता. एक तीसरा ध्रुवक इन दोनों के बीच में इस प्रकार रखा जाए कि तीसरे ध्रुवक की अक्ष प्रथम ध्रुवक की अक्ष से थीटा कोण बनाती है, अंतिम ध्रुवक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होगी बताना है. तो देखो भाई ये इस तरह से, ये आपके पहला ध्रुवक और ये दूसरा ध्रुवक, तो दो ध्रुवकों की आइनोड तीव्रता के अध्रुवित प्रकाश, ये आइनोड है ये अध्रुवित प्रकाश है, इससे आप गुजारते हैं, तो जब ये इससे पास होता है तो आधा ही आपका पास होता है, तो ये I0/2 यहां आएगा. अब आगे बोल रहा है ये द्वितीय ध्रुव से कोई प्रकाश नहीं गुजरता इस स्थिति में, यानी कि इसके और इसके बीच में जो कोण है मेलुस लॉ के अकॉर्डिंग I=I0cos²θ, तो ये थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री होगी, तो ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री है. अगर इसका थीटा 0 लेते हैं तो इसका थीटा कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा. इस समय यहाँ कोई इंटेंसिटी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपके एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं इनके एक्सिस.
नाउ एक तीसरा ध्रुवक इन दोनों के बीच में इस प्रकार रखा जाता है कि तीसरे ध्रुवक की अक्ष प्रथम अक्ष से, प्रथम की अक्ष से थीटा कोण पर है। अब ये वाला है जीरो पर, तो ये थीटा कोण पर है, तो इससे अब जो पास होगी वो होगी आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये पास होगी, यहां पर ये आ गई। अब ये थीटा है तो ये कितना होगा, इससे ये 90 माइनस थीटा पे होगा, क्योंकि इसके और इसके बीच में 90, ये थीटा बना रहा है इससे, तो ये 90 माइनस थीटा बनाएगा। तो अब इससे जो पास होगी वो होगी, आपसे पूछा अंतिम ध्रुव से निगर प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी, तो आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें तो आप इसको 4 से नीचे मल्टीप्लाई करें, 4 से यानी कि ऊपर मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके 4 से मल्टीप्लाई आपने ऊपर किया, तो ये आपका I नॉट बाई 8 हो जाएगा, I नॉट बाई 8, और ये 2 cos थीटा sin थीटा आप एक साथ लिखेंगे, तो ये आपका sin 2 थीटा का होल स्क्वायर ये आ जाएगा, तो ये आपका sin स्क्वायर 2 थीटा I नॉट बाई 8, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बीम ऑफ नेचुरल लाइट फॉल ऑन ए सिस्टम ऑफ 5 पोलेरॉइड्स व्हिच आर अरेंज इन अ सक्सेशन सच दैट पास एक्सिस ऑफ ईच पोलेरॉइड इज टर्न्ड थ्रू 60 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू द प्रीसीडिंग वन। द फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी दैट पासिस थ्रू द सिस्टम इज, आपको 5 पोलरॉइड क्रमागत रूप से इस प्रकार से रखे गए हैं कि प्रत्येक की अक्ष उसके पीछे वाले पोलरॉइड की अक्ष से 60 डिग्री कोण पर है, यानी कि हर एक आगे वाला पहले वाले से 60 डिग्री कोण पर रखा हुआ है। आपतित प्रकाश की तीव्रता का कौन सा भाग इस संपूर्ण निकाय से निर्गत होने पर शेष रहेगा, तो यानी कि जो आपतित प्रकाश है उसका कितना भाग आपका जो लास्ट पोलरॉइड से निकलेगा, तो हम इस तरह से इसको यूज करते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 5 हमने पोलरॉइड लगा दिया। अब सब एक दूसरे से कितना है, 60 डिग्री है, तो यहां पर 5 पोलरॉइड क्रमागत रूप से रखे गए, प्रत्येक के अक्ष पिछले वाले से 60 डिग्री कोण है, तो सबसे पहले तो ये यहां पर आई नोट, अब पहले वाले से तो आई नोट बाई 2 हो जाता है, ये आई नोट बाई 2 हो गया हाफ हो गया। अब ये इससे 60 डिग्री एंगल पर, तो ये यहां पर जो होगा आई नोट बाई 2 कोस स्क्वायर 60, ये आई नोट बाई 2 कोस स्क्वायर 60 यहां हमें मिलेगा, कोस 60 की वैल्यू होगी 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे 1/4, तो ये आपका हो गया आई नॉट 1/2 का स्क्वायर 1/4, 2 ऑलरेडी, तो ये आई नॉट बाई 8 हो गया। अब ये आई नॉट बाई फिर कोस स्क्वायर 60 करेंगे, तो आई नॉट बाई 8 कोस स्क्वायर 60, तो ये आपका हो जाएगा आई नॉट अपॉन ये 4 × 8 दैट इज 32, ये यहां से फिर आएगा, तो आई नॉट अपॉन 32 कोस स्क्वायर 60, तो ये आपके आई नॉट और 32 × 4, तो ये आपका 128 हो जाएगा, 128 आई नॉट बाई, अब ये यहां से आएगा, तो आई नॉट अपॉन 128 × कोस स्क्वायर 60, तो आई नॉट अपॉन 128 × 1/4, तो ये आएगा इसका जो फ्रैक्शन होगा 1/512, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट लाइट इज यूज्ड फॉर डबल स्लिट इंटरफेरेंस फॉर हाउ मेनी वेवलेंथ वी गेट मैक्सिमम एट पॉइंट पी शोन हेयर ऑन द स्क्रीन। द्विस्लिट व्यतिकरण के लिए सफेद प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है, कितनी तरंग धीरे के लिए हम पर्दे पर पी बिंदु पर उच्चिष्ट प्राप्त कर सकते हैं, तो देखिए उच्चिष्ट के लिए कंडीशन होती है आपका पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए, एन लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। चलिए देखिए पाथ डिफरेंस निकाला है, तो ये वाली डिफरेंस डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस को माइनस करें, तो अंडर रूट पाथ डिफरेंस जो होगा डेल्टा एक्स अंडर रूट ये आपका इसका स्क्वायर 2400 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर, ये तो ये वाली S2P डिस्टेंस निकलेगी, इसमें से माइनस करेंगे S1P ये वाली डिस्टेंस,
तो 2400 नैनोमीटर में ये आ गया। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 00 बाहर आके स्क्वायर में अंडर रूट में, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया तो 100 ये आ गया। आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 2424 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा आपका 900। ये 900 का ये हो जाएगा आपका 30, ठीक है, माइनस 2400। तो ये आप क्या आएगा, 3000 में से 2400 गया तो ये 600 नैनोमीटर। 600 नैनोमीटर मींस 6000 एंगस्ट्रॉम, दैट इज एन लैम्डा। तो जो श्वेत प्रकाश की जो रेंज होती है वो 4000 से 8000 के बीच में होती है। एन की वैल्यू आप यहां पर 1 रखते हैं तो ये आता है। आप इसके लिए सिर्फ ए की वैल्यू आपको मिलेगी जिसके लिए आपको एक उच्चिष्ट प्राप्त होगा, दैट इज 1, ठीक है। तो एन की वैल्यू 1, 2 रखते हैं, ठीक है, ये रेंज से बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच सर्किट विल नॉट शो करंट इन अमीटर। यहां पर आपको ये सर्किट दिया हुआ था, किसमें अमीटर का पाठ्यांक शून्य होगा हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखिए ये प्लस ये माइनस, ये यहां पर रिवर्स वाइस में कनेक्ट है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। यहां पर अगर ऑप्शन 2 में बात करें तो दोनों ही फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट है, इसमें करंट फ्लो होगी। यहां पर आप देखें तो ये वाला तो फॉरवर्ड में, ये वाला रिवर्स में, तो इसमें करंट नहीं होगी लेकिन इसमें करंट फ्लो होगी, तो इसमें से डिफ्लेक्शन आ जाएगा। ये यहां पर दोनों ही आपके फॉरवर्ड बायस में, तो इसमें भी करंट फ्लो होगी। तो राइट आंसर होगा जिसमें अमीटर का पाठ्यांक शून्य होगा, दैट इज 1, ऑप्शन 1। ए जंक्शन डायोड हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड एंड 2500 ओम व्हेन रिवर्स बायस्ड। The करंट इन the डायोड फॉर द अरेंजमेंट शोन विल बी। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ एक संधि डायोड का अग्र अभिनीति में 50 ओम तथा उत्क्रम अभिनीति में 2500 ओम है रेजिस्टेंस इसका, संधि डायोड का। तो नीचे दर्शाए गए परिपथ में डायोड में धारा होगी। तो आप यहां देखें ये आपका उच्च विभव पर है, ये निम्न विभव पर, यानी कि ये किस में जुड़ा हुआ है, फॉरवर्ड बायस में जुड़ा हुआ है, अग्र अभिनीति में जुड़ा हुआ है। तो अग्र अभिनीति में ये जो प्रतिरोध होगा इसका, रेजिस्टेंस होगा, वो 60 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर इसमें डायोड में धारा कितनी जाएगी, तो आई इक्वल्स टू ई नेट, ई नेट डिफरेंस कितना है 5 माइनस 0 5 और ये आपका हो गया 60, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 5/16 यानी कि 1/12, राइट आंसर होगा 1/12 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए पी एन जंक्शन डायोड ए स्क्वायर इनपुट सिग्नल ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड एज शोन इन फिगर, देन द आउटपुट सिग्नल अक्रॉस आर एल विल बी। देखो आपको यहां पर ये एक सर्किट गिवन है, ठीक है, पी एन संधि डायोड में चित्रानुसार 10 वोल्ट का निवेशी वर्ग सिग्नल आरोपित किया गया है, माइनस 5 से प्लस 1। आरएल के मध्य निर्गत सिग्नल जो होगा वो क्या होगा, तो देखो ये आप यहां पर ये जब ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा तो ये आपके फॉरवर्ड बायस में होगा, कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। लेकिन जब ये नेगेटिव होगा, ठीक है, और ये पॉजिटिव होगा तो ये किस में आ जाएगा, आपके फॉरवर्ड बायस में होगा, तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो यहां पर आप ऑप्शन देखें तो ये वाला जो है, ये वाला आपका जो सिग्नल है ये नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि माइनस 5 वोल्ट होना चाहिए, तब आपको क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। करंट फ्लोइंग इन ईच ऑफ द सर्किट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर। देखिए यहां पर करंट क्या होगा, ये करंट यहां से जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस में आइडियल डायोड्स लेते हैं तो 4 और 4 पैरेलल में कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस वाले के अंदर जो करंट जाएगा आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर 8/2 यानी कि 4 एम्पियर, तो इसमें जाएगा। अब इसके अंदर बात करें तो ये आपका
रिवर्स बायस में हो गया, ये फॉरवर्ड बायस में, इसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा तो करंट इसमें जाएगा, तो ये होगा आपका I डैश इक्वल्स टू 8/4 यानी कि 2 एम्पियर। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 एम्पियर एंड 2 एम्पियर ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्रांजिस्टर द बेस इज मेड वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड विद एन इम्प्यूरिटी। ऑप्शंस आर टू सेव द ट्रांजिस्टर फ्रॉम हीटिंग इफेक्ट, ऑप्शन टू टू एनेबल द इमिटर टू इमिट स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, टू एनेबल द कलेक्टर टू कलेक्ट 95% ऑफ द होल और इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम द इमिटर साइड, नन ऑफ दिस। देखिए यहां पर ट्रांजिस्टर में आधार को पतला व निम्न डोपित क्यों रखा जाता है जिससे, इसका कारण क्या भाई? इसका कारण ट्रांजिस्टर के तापीय प्रभाव से बचाव होता है, उत्सर्जक कम संख्या में इलेक्ट्रॉन व होल उत्सर्जित करता है, उत्सर्जक से आने वाले 95% होल व इलेक्ट्रॉन्स को संग्रह ग्रहण कर सके। उसको जो पतला रखने का कारण होता है और निम्न डोपित रखने का कारण यही होता है कि वो उत्सर्जक से आने वाले ज्यादा से ज्यादा 95% से ज्यादा होल्स व इलेक्ट्रॉन को संग्रहण ग्रहण कर सके, ताकि क्या है आपके उत्सर्जक से इमिटर से कलेक्टर की तरफ वो फ्लो कर सके। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एनपीएन ट्रांजिस्टर द कलेक्टर करंट इज 10 mA। इफ 90% ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड रीच द कलेक्टर देन, तो देखिए आपको इमिटर करंट कितनी होगी, इमिटर करंट फाइंड आउट करनी, बेस करंट क्या होगी वो फाइंड आउट करनी, ऑप्शन चेक करना है कौन सा सही होगा। तो एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में संग्राहक धारा 10 mA है। संग्राहक धारा मीन्स आपको आई सी इन एनपीएन ट्रांजिस्टर कलेक्टर करंट है 10 mA ये दी हुई है। इफ 90% ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड रीच द कलेक्टर, 90% जो इलेक्ट्रॉन है ठीक है वो कहाँ पर जा रहे हैं, आपके संग्राहक के पास जा रहे हैं, संग्राहक तक पहुँचते हैं, तो आपको इनमें से चेक करना है कौन सा राइट आंसर होगा। चलिए तो देखिए आपके जो आईसी है वो आपकी है 90%, आईसी जो है जो कलेक्टर है वो 90% ऑफ इमिटर है, तो ये आपका 90% ऑफ इमिटर है आईई है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें ये IC है आपका 10 mA, 90% का मतलब 0.9 IE होगा, तो यहां पर जो IE होगा वो 10/0.9 mA हो गया। तो IE की जो वैल्यू आ रही है IE दैट इज 1.1 mA ये आ रही है। अब हमें पता है IE equals to IC plus IB ये होता है, तो पहला तो आ गया इमिटर करंट विल बी 1.1 mA, 11.1, 10 तो है ही 90% है, तो ये आएगा 11.1 mA आएगा, तो 11.1 mA आएगा 10/0.9, तो आप देख रहे हैं ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आधार धारा भी चेक कर लेते हैं, बेस करंट भी, तो बेस करंट आपका यहां पर होता है I equals to IC plus IB, तो IB equals to IE minus IC, IE कितना है 11.1 minus IC कितना है 10, तो यह आ रहा है 1.1 mA कहीं पे भी आपको नहीं नजर आ रहा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, उत्सर्जक धारा 11.1 mA होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट इज, आपको ये एक सर्किट दिया हुआ है इसका ट्रूथ टेबल आपको चेक करना है, तो निम्नलिखित तार्किक परिपथ के लिए सत्य सारणी होगी। तो देखिए ये आपके ए, तो ये यहां पर हो गया ए बार, ये बी, तो ये आपके हो गया एंड गेट ए डॉट बी, ए बार डॉट बी हो गया। अब यहां से ये आपका आ रहा है ये ए, और ये यहां पर हो जाएगा बी बार, तो ये ए डॉट बी ये बार होगा। अब ये यहां पर ए बी प्लस
ए डॉट बी बार, ये रिजल्ट निकालना है आपको, ये वाई की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले ये ए, ये बी, ये ए बार, ये ए बी हो गया, ये ए बार डॉट बी, ए डॉट बी बार, और ये इसका रिजल्ट हो गया वाई। हम इसकी टेबल बनाते हैं। चलिए सबसे पहले हम ऑप्शन से एक एक ऑप्शन को देखते हैं। हमने ए और बी 0 1 ये वैल्यू पुट की, सबसे पहले ए की वैल्यू और बी की वैल्यू 0 रखी, तो ए का इन्वर्स हो गया 1, तो 1.0 क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहां पर इधर ए डॉट बी इन्वर्स करेंगे बी बार, तो बी का हो गया आपका कितना हो गया, 0 का हो गया 1, और ए डॉट 1 हो गया आपका 0, ये 0 और 0 आपका ये हो गया 0। चलिए अब आप लेते हैं ये सेकेंड ऑप्शन 0 एंड 1, तो ए का तो हो गया 1, 1.1 ये हो गया 1। अब इसका करेंगे तो ये बी का इन्वर्स 1 का हो जाएगा 0, तो 0.0 0 हो जाएगा, तो 1+0 हो गया 1। ठीक है, अब लेते हैं हम 1 और 0, तो इसका तो हो गया 0, तो 1 का तो हो गया 0 0.0 0, ए 1 और ये आपका हो जाएगा 1, और ये भी हो गया 1। अब आप इसका 1 और 1 लेते हैं, तो ये तो हो गया 0, ये भी हो गया 0, और ये भी आपका हो जाएगा 0, तो आप देख रहे हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, ये ए और बी 0 0, तो वाई आ रहा है 0 0 1, तो 1 1 0, तो 1 1 1, तो 0, राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन फिगर शोज द वेव फॉर्म ऑफ टू इनपुट्स ए एंड बी एंड दैट फॉर द आउटपुट सी ऑफ ए लॉजिक सर्किट, द लॉजिक सर्किट इज, आपको यहां पर चित्र में एक लॉजिक परिपथ के निवेश ए तथा बी निर्गत के लिए तरंग रूप दिखाए गए, सी निर्गत को दर्शाता है, तो लॉजिक परिपथ होगा। तो देखिए भाई, ये बताता है 0, ये 0, ये 1, ये 0, तो ये भी आपका 0, ये 1, ये 0, और ये 1 को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पे ये 0 और ये 0, इनका रिजल्ट भी 0। ठीक है, ये तभी होता है, एंड गेट में भी होता है और गेट में भी होता है, तो दोनों पॉसिबल है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं ये 0 और ये 1, इनका रिजल्ट ये 0 है, ये तभी होता है जब वो 0.1 हो, तो 0 होता है, यानी कि 0.1, यानी कि ये दोनों जो है ऑपरेटर, ये होगा आपका a.b ये होता है आपके एंड गेट में, तो आप इसके a.b करते हैं तो ये आउटपुट मिलता है। तो देखो यहाँ 0.0 0 0.1 0, ये 1.0 0, अब ये 1.1 आ गया 1, तो ये हो गया आपका a.b हो गया, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन डिप्लेशन लेयर, तो देखो डिप्लेशन लेयर में जब आप व्हेन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से वेरी करेगा, उसके बारे में बात करते हैं। ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, नहीं जी, इनिशियली इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस विद कॉन्स्टेंट रेट। तो अवक्षेपृत के बाएं से दाएं जाने पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण होता है वो आपका सेंट्रल पे मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो सेंट्रल पे ये मैक्सिमम होगा, तो पहले तो क्या होगा, बढ़ेगा फिर वापस घटेगा, तो पहले बढ़ता है फिर घटता है, यानी कि इनिशियल इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। नेक्स्ट, इन द फिगर फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बिटवीन V1 = +2 volt एंड V2 = +1 volt इज, ये आपको एक फिगर गिवन है, तो इसमें V1 की वैल्यू आपको दी हुई है 1, V1 दिया हुआ है +2, और जो V2 दिया हुआ है वो 1 volt दिया हुआ है, के मध्य अग्र प्रतिरोध का मान होगा,
तो यहां अग्र प्रतिरोध निकालना है तो R इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा I निकालें। चलिए भाई डेल्टा V आप निकाला, डेल्टा V तो डेल्टा V कितना है, ये तो हो गया 1, डिफरेंस निकाला तो ये तो हो गया आपका दोनों का 1, और डेल्टा आई हो गया आपका ये आपका 1 और ये 20, ये देखो ये दोनों का डिफरेंस 60 माइनस 40 20 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, तो ये 1 बाई 20 मिली यानी 10 सुपर माइनस 3 ऊपर गया तो ये 1000 हो गया, तो ये आपका आंसर आ रहा है 50, तो राइट आंसर होगा 50 ओम, तो ऑप्शन इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर विल इंक्रीज इफ पी एन जंक्शन, टेम्परेचर इंक्रीजेस, डोपिंग लेवल डिक्रीजेस, बोथ, नन। देखो अवक्षय परत की मोटाई बढ़ेगी यदि पी एन संधि के ताप में वृद्धि की जाए, बिल्कुल, मादन में कमी की जाए, बिल्कुल बढ़ेगी, तो यहां पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा दोनों। तो आपके अवक्षय परत की मोटाई बढ़ती है, ताप में वृद्धि करते हैं तब भी अवक्षय परत की मोटाई बढ़ेगी, मादन में कमी की जाए तब भी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रीब्यूशन इन द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू ए सेमीकंडक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर 3/4 एंड 1/4 रेस्पेक्टिवली। इफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 5/2 टाइम्स दैट ऑफ होल्स एट दिस टेम्परेचर, देन द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इज। देखिए आपको एक अर्धचालक में प्रवाहित कुल धारा में इलेक्ट्रॉनों तथा होलों का योगदान, इलेक्ट्रॉनों का वो होलों का जो योगदान है कुल धारा का, कुल धारा में इलेक्ट्रॉन वो होलों का योगदान 3/4 व 1/4 ये है। इस पर इस ताप पर इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग होलों की तुलना में 5/2 गुना है, तो इलेक्ट्रॉन व होल के सांद्रण का अनुपात कितना होगा याद करना। तो देखो आई इक्वल्स टू जो होता है वो होता है एनी ए वी डी, तो आई इलेक्ट्रॉन एन इलेक्ट्रॉन एन ई ए वी ई, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन के कारण, और होल के कारण हो जाएगा ये एन एच इसकी सांद्रता, ए आवेश उतना ही, ये वी एच डिवाइड कर दे, ये कैंसिल ये कैंसिल। अब आपको आई ई और आई एच का रेशियो दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन का तो दिया हुआ है 3/4 इसके कारण धारा इलेक्ट्रॉन के कारण, इसके कारण 1/4 ये कैंसिल हो गया। आपको पूछा है इलेक्ट्रॉन एन ई और एन एच का रेशियो पूछा है, अब वी ई, अब यहां पर बोला है इलेक्ट्रॉनों का वी, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग होलों की तुलना में 5/2 गुना है, यानी कि इफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 5/2 टाइम्स दैट ऑफ होल्स, तो ये वी एच हो गया, तो यहां से वी ई अपॉन वी एच इक्वल्स टू 5/2 हो गया, ये वैल्यू इसके अंदर रख दो, तो ये 5/2 यहां रख दिया, तो ये आपका 3, तो ये आपका इधर चला गया, तो 6/5 ये एन ई अपॉन एन एच आ गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉरवर्ड बायस डायोड इज, निम्न में से कौन सा अग्र बायस डायोड है, तो भाई देखिए ये आपके कम विभव पर है, ये ज्यादा विभव पर, ये तो नहीं, ये आपका कम विभव पर है, ये ज्यादा विभव पर, ये भी नहीं होगा, ये भी कम विभव पर है, ये ज्यादा विभव पर, ये भी नहीं होगा। तो देखो ये कम, ये ज्यादा विभव पर है, ये कम विभव पर, नेगेटिव है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 39 का ऑप्शन 3। तो आप देखेंगे फॉरवर्ड बायसिंग के लिए किस तरह से होना चाहिए, तो फॉरवर्ड बायसिंग के लिए P जो होता है वो हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए और N क्या होना चाहिए, लो पोटेंशियल पे होना चाहिए, तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन ए फॉरवर्ड बायस्ड पी एन जंक्शन डायोड द पोटेंशियल बैरियर इन द डिप्लेशन रीजन इज ऑफ द फॉर्म, यहां पर आपको
एक अग्र अभिनित पी एन संधि डायोड में अवक्षय परत में रोधिका विभव निम्न में से किस रूप में होगा? तो हमें पता है जो अवक्षय परत है उसमें जो पोटेंशियल बैरियर होगा उसकी विड्थ कम हो जाती है आपके अग्र अभिनिति में, तो ये आपके इस तरह से ये फॉर्म होती है, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। अब इन दोनों में से देखें, कंपैरिजन करें, तो इसकी जो विड्थ और इसकी विड्थ में, इसकी विड्थ कम है तो आपके फॉरवर्ड बायसिंग में अग्र अभिनीति में विड्थ कम होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 पी से एन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट अक्रॉस ए बी इज गिवन बाय। परिपथ में ए बी के अनुदिश परिणामी प्रतिरोध होगा। तो देखिए, अगर यहां पर ए उच्च विभव पर है, हाई पोटेंशियल, बी निम्न विभव पर है, तो क्या होता है, ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग में होगा और ये भी फॉरवर्ड बायसिंग में हो जाएगा। ए अगर बी से हाई पोटेंशियल तो ये आइडियल है, तो इनका दोनों का कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, इनका रेजिस्टेंस जीरो होगा, तो ये बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज बन रहा है, 2/4 = 4/8, तो ये आपका बेकार हो जाएगा। हो गया बेकार, तो ये 2 और 4 और 4 और 8, तो ये 2 और 4 का तो हो गया 6 और ये इनका हो गया 12, तो 6 × 12/18 ये पैरेलल में है, तो ये 4 आंसर आ जाएगा अगर ऐसा है तो। तो यहां पर परिणामी प्रतिरोध अगर ये फॉरवर्ड बायसिंग में है, ए हाई पोटेंशियल पे, बी लो पोटेंशियल पे, तब तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा है कि ए लो पोटेंशियल पे है और बी हाई पोटेंशियल पे है, तो आपका ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा, ये भी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा, इन वाली ब्रांचेस में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये बेकार। अब ये तीनों करंट ऐसे जाएगा, ये ऐसे, तो ये तीनों सीरीज में कनेक्ट हो गए, तो 4 + 5 + 4 = 13 हो जाएगा। तो यहां पर इस केस में जो रेजिस्टेंस होगा वो 13 ओम हो जाएगा, तो राइट आंसर होगा 4 ओम और 13 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस सर्किट शोन इन फिगर द मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज वी नोट इज। देखिए, आपको यहां पर ये इनपुट आपको गिवन है और आपको इसमें निर्गत वोल्टेज यहां पर इस रेजिस्टेंस पे वी नोट फाइंड आउट करना है। तो देखिए, जब ये आप इनपुट 10 वोल्ट है, यहां पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये आपका रिवर्स बायस में होगा, तो इससे कोई आपको सिग्नलिंग नहीं मिलेगी, तो आप इसको हटा दें। इसको हटाते ही ये आपके जो सर्किट होगा, ये तो रिवर्स बायस में हो गया और ये फॉरवर्ड बायस में, इसका रेजिस्टेंस जीरो हो गया, तो यहां पर जो ये पॉजिटिव, ये डायोड, ये आपके रेजिस्टेंस 2 kΩ, ये 2 kΩ और ये 2 kΩ और ये नेगेटिव, आप देख रहे हैं ये 2 kΩ, ये 2 kΩ, तो ये इनपुट इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो यहां पर ये जो आपका 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस डिवाइड होगा, तो इन दोनों पर, ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये सीरीज में कनेक्ट होने पर इस पर 5 वोल्ट इस पर आएगा, 5 वोल्ट इस पे आएगा, इस पे कितना आएगा, 10 वोल्ट आएगा। तो यहां पर पूछा है कितना आपका ड्रॉप होगा वी नोट की वैल्यू, तो ये राइट आंसर हो जाएगा 5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायोड शोन इन दिस सर्किट इज अ सिलिकॉन डायोड, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी विल बी। एक सिलिकॉन डायोड परिपथ चित्र में दिखाया गया है, बिंदु ए एम बी के बीच विभवांतर होगा। तो देखिए, यहां पर ये प्लस इससे एन से कनेक्टेड है, यानी कि ये आपके रिवर्स बायस में हो गया, रिवर्स बायस में हो गया, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। ये कंप्लीट पोटेंशियल किसके अक्रॉस ड्रॉप होगा, आपके ए और बी के अक्रॉस ड्रॉप हो गया, तो ए और बी के अक्रॉस कितना आएगा, 6 वोल्ट। तो आपसे पूछा है Va-Vb, तो Va-Vb जो होगा ये आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये -6 वोल्ट होगा, तो बिंदु ए एवं बी के मध्य जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होगा -6 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए कॉमन बेस ट्रांजिस्टर सर्किट द करंट गेन इज 0.98 ऑन चेंजिंग द इमिटर करंट बाय 5 mA, चेंज इन बेस करंट इज द
देखिए यहां पर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक उभयनिष्ठ आधा ट्रांजिस्टर परिपथ में धारा लाभ 0.98 है, उत्सर्जक धारा को 5 मिली एम्पियर द्वारा बदलने पर धारा आधार धारा में परिवर्तन निम्न में से क्या होगा, मान ये ज्ञात करें। तो देखिए यहां पर अल्फा की जो वैल्यू होती है अल्फा, ठीक है, अल्फा दैट इज डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई, ये वैल्यू होती है अल्फा की वैल्यू। अब यहां पर धारा लाभ आपको दिया हुआ है 9.98, ये अल्फा की वैल्यू दी हुई है। तो ये आपके डेल्टा आई सी इक्वल्स टू 0.98 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आई ई, ये गिवन है डेल्टा आई ई। अब आपको आधार धारा में परिवर्तन निम्न होगा, तो इक्वेशन इसकी होती है डेल्टा आई ई इक्वल्स टू डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी, ये वैल्यू इसके अंदर रखेंगे तो डेल्टा आई ई इक्वल्स टू डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी 0.98 डेल्टा आई ई। इसको रीअरेंज करते हैं तो रीअरेंज करने पे ये आएगा आपके डेल्टा आई बी इक्वल्स टू, इसको रीअरेंज करके इधर लेके जाएंगे तो ये आएगा 0.02 डेल्टा आई ई, ये आ जाएगा। अब आपको उत्सर्जक धारा को 5 मिली एम्पियर द्वारा बदलने पर कितना होगा, तो ये 0.02 और 5 मिली एम्पियर, तो ये मल्टीप्लाई बाय 5 मिली एम्पियर। इसको सोल्व करते हैं तो राइट आंसर आता है दैट इज 0.1 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, The combination of NAND gate shown here under are equivalent. दर्शाए गए NAND द्वारों का संयुक्त रूप होगा। तो देखिए यहां पर ये आपका A है, ये आप A, ये इनपुट आपके ये हो जाएगा A इनवर्स, ये B इनवर्स हो जाएगा। अब यहां पर ये क्या होगा A इनवर्स डॉट B इनवर्स का होल इनवर्स, तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी, मींस ये बन जाएगा आपका ओर गेट। तो ये तो हो गया ओर गेट, ओर गेट हो गया, ठीक है, तो ये आपका ओर गेट हो जाएगा। अब यहां पर ए और बी, इसका ये ए डॉट बी बार, इस पे ये एक बार और, तो ये ए डॉट बी, ये रिजल्ट आएगा, तो ये आपका हो जाएगा एंड गेट हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा और तथा नेंड गेट, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज √3। इफ द अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट एट द पोलराइजिंग एंगल ऑफ द मीडियम द एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन इज, माध्यम का अपवर्तनांक √3 है। यदि माध्यम के ध्रुवण कोण पर एक अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा। तो देखिए इस तरह से ये आपके आईपी, ये आपका ये भी आईपी, ठीक है, तो आपसे अपवर्तन कोण पूछा है, ये अपवर्तन कोण आर, अपवर्तन कोण आर, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। तो देखिए यहां पर आई पी इक्वल्स टू टेन इनवर्स √3, ये रिलेशन होता है, तो आई पी इक्वल्स टू कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, ये 60 डिग्री आ गया, तो ये 60 डिग्री है, ये 90 है, तो ये कितना होगा 30 डिग्री। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 30 डिग्री। नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन पास एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर इज 45 डिग्री, दिस द परसेंटेज ऑफ पोलराइज्ड लाइट पासिंग थ्रू एनालाइजर इज,
ध्रुवक एवं विश्लेषक की अक्षों के मध्य 45 डिग्री कोण है, तो विश्लेषक से गुजरने वाले ध्रुवित प्रकाश का प्रतिशत होगा। देखिए ध्रुवक और ये विश्लेषक, ध्रुवक एवं विश्लेषक की अक्षों के मध्य 45 डिग्री कोण है, दोनों जो है 45 डिग्री कोण पर है, तो विश्लेषक से गुजरने वाले ध्रुवित प्रकाश का प्रतिशत होगा। तो देखिए ये आई नोट, ये ध्रुवित प्रकाश, ये मान लो ये सबसे पहले यहां पर आई नोट है, ठीक है। तो ध्रुवक एवं विश्लेषक के मध्य कोण कितना है, ये इसके रेस्पेक्ट में 45 डिग्री एंगल पे रखा हुआ है थीटा। तो विश्लेषक से गुजरने वाले, ये विश्लेषक हो गया, गुजरने वाले ध्रुवित प्रकाश, ये ध्रुवित प्रकाश हो गया, उसकी तीव्रता होगी का प्रतिशत होगा, तो ये आई नोट कोस स्क्वायर 45, कोस 45 वन बाई रूट टू, इसका स्क्वायर, तो ये आई नोट बाई टू, तो ये 50% होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। व्हेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट टेक प्लेस, इंटरफेरेंस जब होता है तो ऑप्शन 1, एनर्जी इज क्रिएटेड इन द रीजन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, एनर्जी इज डिस्ट्रॉयड इन द रीजन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड्स गुड एंड एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डज नॉट होल्ड गुड। जब प्रकाश का व्यतिकरण होता है तो अधिकतम तीव्रता के क्षेत्र में ऊर्जा नष्ट होती है, अधिकतम तीव्रता के क्षेत्र में ऊर्जा उत्पन्न होती है, अधिकतम तीव्रता के क्षेत्र में ऊर्जा उत्पन्न होती है, अधिकतम तीव्रता के क्षेत्र में ऊर्जा नष्ट होती है, ऊर्जा का अच्छी तरह से संरक्षण होता है तथा ऊर्जा का पुनः वितरण होता है, ऊर्जा का संरक्षण अच्छी तरह से नहीं होता। तो देखिए यहां पर इंटरफेरेंस में क्या होता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है और यहां पर एनर्जी कंजर्व रहती है, तो ऊर्जा का अच्छी तरह से संरक्षण होता है, सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड गुड एंड एनर्जी इज रिडिस्ट्रीब्यूटेड। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट इज, टू कोहेरेंट वेव्स आर रिप्रेजेंट बाय y1 इक्वल्स टू a1 cos ओमेगा t एंड y2 इक्वल्स टू a2 sin ओमेगा t, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू इंटरफेरेंस विल बी प्रोपोर्शनल टू। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो दो कला संबंध तरंगे y1 equals to a1 cos omega t and y2 equals to a2 sin omega t से प्रदर्शित है, तो व्यतिकरण से प्राप्त परिणामी तीव्रता किसके समानुपाती होगी, किसके समानुपाती होगी, ये आपसे समानुपाती पूछी, प्रोपोर्शनलिटी पूछी। तो देखिए यहां पर जो कला संबंध तरंगे आपको दे दी, उसका एम्पलीट्यूड आयाम दिया हुआ A1 A2, तो व्यतिकरण से प्राप्त परिणामी तीव्रता क्या होगी, तो इंटेंसिटी जो होती है वो आइज प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर होती है। तो यहां पर इन दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो पाई बाई टू का है, तो जो पाई बाई टू का फेज डिफरेंस है तो यहां पर आपके आई जो प्रोपोर्शनल होगी वो आपके दोनों की इंटेंसिटी की स्क्वायर के सम के प्रोपोर्शनल होगी। तो यहां पर जो इंटेंसिटी होगी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, 2a1 a2 cos phi, cos phi की वैल्यू यहां पर phi पाई बाई टू जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इंटेंसिटी जो होगी वो आपके a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर के समानुपाती होगी, प्रोपोर्शनल होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए थिन फिल्म ऑफ थिकनेस t is placed in the path of light wave emerging out of S1, then increase in the length of optical path will be mu refractive index of the film. जब t मोटाई की एक पतली फिल्म S1 से निकलने वाली प्रकाश तरंग के मार्ग में रखी गई है तो प्रकाशिक पथ की लंबाई कितनी हो जाएगी, में वृद्धि कितनी होगी, तो प्रकाशिक पथ की लंबाई में वृद्धि कितनी होगी, तो देखिए वृद्धि पूछा है तो अब हो जाएगी प्रकाशिक पथ की लंबाई म्यू टी, और पहले कितनी, ये टी, तो ये म्यू माइनस वन मल्टीप्लाई बाई टी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ टू इंटरफेरिंग वेव्स आर y1 इक्वल्स टू b cos ओमेगा टी एंड y2 इक्वल्स टू b cos ओमेगा टी
plus 5 respectively. Destructive interference will take place at the point of observation for the following values of phi. देखो, दो व्यतिकरण करने वाली समीकरणों की तरंग समीकरण आपको ये दी हुई है. फाइ के निम्न मान के लिए प्रक्षण बिंदु पर विनाशी व्यतिकरण होगा. तो देख रहे हैं, ये भी कोस. अब इन दोनों में जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? आपका पाई का होना चाहिए, पाई थ्री पाई ये होना चाहिए. तो ये राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि पाई का. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द विड्थ ऑफ थर्ड फ्रिंजेस इज टेंस टू पावर माइनस 2 सेंटीमीटर देन द विड्थ ऑफ फ्रिंज फिफ्थ फ्रिंज विल बी. यंग के द्विछिद प्रयोग में यदि तीसरे फ्रिंज की चौड़ाई 10 की घात माइनस 2 सेंटीमीटर है तो पांच फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? भाई फ्रिंज चौड़ाई जो व्यतिकरण में होता है इंटरफेरेंस में सबकी सेम होती, तो यहां पर इसकी भी टेंस टू पावर माइनस 2 सेंटीमीटर ही होगी. तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ इज फाउंड टू बी 0.4 मिलीमीटर इफ द होल एपरेटस इज इमर्ज इन वाटर ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 4/3 विदाउट डिस्टर्बिंग द ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट द न्यू फ्रिंज विड्थ विल बी. यंग के द्विछिद प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई 0.4 मिलीमीटर प्राप्त होती है यदि पूरे उपकरण को बिना ज्यामितीय अव्यवस्था के 4/3 अपवर्तनांक वाले जल में डुबो दिया जाए तो नई फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी? तो देखिए, यहां पर बीटा इक्वल्स टू जो बीटा डैश होता है वो बीटा अपॉन म्यू होता है. तो पहले जो फ्रिंज चौड़ाई है वो है 0.4. अब आपने म्यू 4/3 तो ये आपका 0.3 आ गया, तो 0.3 मिलीमीटर. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज हाफ एंड द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन डबल द फ्रिंज विड्थ इज. यंग के द्विछिद्र प्रयोग में छिद्रों के बीच की आधी तथा पर्दे तथा छिद्रों के बीच की दूरी दुगनी की जाती तो फ्रिंज चौड़ाई क्या हो जाएगी? तो ये बीटा इक्वल्स टू होता है लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी. तो बीटा इक्वल्स टू, आपने यंग के द्विछिद्र प्रयोग में छिद्रों के बीच की दूरी आधी, छिद्रों के बीच की दूरी आधी कर दी, यानी कि ये डी हाफ कर दिया. तो ये तो डी तो हाफ कर दिया, और पर्दे तथा छिद्रों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो ये दुगनी कर देंगे. तो यहां पर ये 4 टाइम्स ऑफ बीटा बीटा डैश हो जाएगा. तो यहां पर फ्रिंज चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी. नेक्स्ट, द करेक्ट कर्व बिटवीन फ्रिंज विड्थ बीटा एंड डिस्टेंस बिटवीन स्लिट डी इज. तो हमें पता है बीटा इक्वल्स टू होता है लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी. तो बीटा इज प्रोपोर्शनल 1/d. तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, जो कि आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बनेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉज ऑफ द पोटेंशियल बैरियर इन अ पी एन डायोड इज. डिप्लेशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस नियर द जंक्शन. ऑप्शन 2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस नियर जंक्शन. ऑप्शन 3, डिप्लेशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस नियर द जंक्शन. ऑप्शन 4, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस नियर द जंक्शन. पी एन डायोड में विभव प्राचीर का कारण है. विभव प्राचीर का कारण क्या? संधि के निकट धनावेशों का आवेश, संधि के निकट धन आवेशों की सांद्रता, संधि के निकट ऋण आवेशों की अवक्षय, संधि के निकट धन व ऋण आयनों की सांद्रता. तो ये राइट आंसर होता है कि संधि के निकट जो धन व ऋण आयनों की सांद्रता हो जाती है. तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4. इन द फॉलोइंग सर्किट द करंट फ्लोइंग थ्रू 1 kΩ रजिस्टर इज. यहां पर इस 1 kΩ रजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट होगा ये हमें फाइंड आउट. तो आप देख रहे हैं ये जो जीनर डायोड है ये 5 वोल्ट ही ये इस पे मैक्सिमम अप्लाई कर सकता है. 5 वोल्ट इस पे ड्रॉप होगा तो 10 वोल्ट में से 5 वोल्ट इस पे आएगा, 5 वोल्ट इस पे होगा, तो इसमें जो करंट होगा I ये आपका होगा V अपॉन R. तो ये 5 वोल्ट अपॉन 1 kΩ मीन्स 10 टू पावर 3.
तो ये आपका हो गया 5 मिली एम्पियर, तो इसमें करंट होगा 5 मिली एम्पियर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू आइडियल डायोड्स आर कनेक्टेड टू ए बैटरी एज शोन इन दिस सर्किट, द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी इज। दो आदर्श डायोड एक बैटरी से चित्रानुसार परिपथ में जुड़े, बैटरी द्वारा निर्गत धारा होगी, तो यहाँ धारा कितनी होगी? तो भाई ये तो आपका रिवर्स बायस में हो गया, ये तो आपको इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा, तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, तो ये भी बेकार हो गया, तो करंट ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो बैटरी द्वारा निर्गत धारा कितनी होगी? तो आई इक्वल्स टू वी, वी कितना है आपका आदर्श डायोड, तो ये 5 और ये आपके 10, तो ये आपका हो गया 0.5 एम्पियर, तो राइट आंसर हो जाएगा 0.5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द केस ऑफ कॉन्स्टेंट्स एल्फा एंड बीटा ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर स्थिरांक एल्फा व बीटा के लिए क्या वैल्यू होता है? तो हमें पता है बीटा की वैल्यू तो ग्रेटर देन 1 होती है और एल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, When the angle of incidence is 60 degree on the surface of glass slab, it is found that reflected ray is completely polarized. The velocity of light in glasses. जब कांच की सतह पर आपतन कोण का मान 60 डिग्री है, तो ये प्रक्षित होता है कि परावर्तित किरण पूर्णतया ध्रुवित हो गई है, ठीक है, तो कांच में प्रकाश का वेग क्या होगा ज्ञात करें। तो देखिए हमें ये जो है ब्रेविस्टर फॉर्मूला म्यू इक्वल्स टू 10 थीटा पी, ठीक है, तो यहां पर म्यू की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, तो ये रिलेशन होता है आपके आई इक्वल्स टू 10 इनवर्स म्यू, ये रिलेशन होता है, तो यहां पर ये आईपी, तो म्यू इक्वल्स टू 10 इनवर्स आईपी, म्यू की वैल्यू आपको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये 1060 हो गया, 1060 मीन्स √3, तो म्यू की वैल्यू आ गई √3 आ गई। अब हमें पता है म्यू इक्वल्स टू होता है सी अपॉन वी, तो कांच में प्रकाश का वेग इक्वल्स टू सी अपॉन म्यू हो गया, सी की वैल्यू 3 × 10⁸ और म्यू की वैल्यू है दैट इज √3, तो ये आपका आ जाएगा √3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। तो ये आपका DCM पेपर 37 का यहां पर डिस्कशन ओवर होता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, इसी के साथ हम यहां पर इसका डिस्कशन ओवर करते हैं। थैंक यू, जय सी एल सी।